हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके टेक्निकल जोन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप रिलायंस जियो यूजर्स हैं तो यहाँ पे जियो की ओर से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही जी है। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 10 अक्टूबर से आप जियो से किसी भी ऑपरेटर में फ्री कॉलिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों, वहाँ पे आपको 6 पैसे प्रति मिनट देने होंगे। मगर दोस्तों, यहाँ पे रिलायंस जियो की ओर से एक अपडेट आ गया है कि अभी भी आपको किसी भी ऑपरेटर में अनलिमिटेड कॉल मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी भी आपको किसी भी ऑपरेटर में अनलिमिटेड कॉल मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि किन-किन यूजर्स को अनलिमिटेड कॉल मिलेंगे और किन-किन यूजर्स को अनलिमिटेड कॉल नहीं मिलेंगे। तो सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पता चल ही गया होगा कि अगर आप जियो यूजर्स हैं तो अब आप 10 अक्टूबर से किसी भी ऑपरेटर में फ्री कॉलिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों, वहाँ पे आपको 6 पैसे प्रति मिनट देने होंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जियो की ओर से 4 टॉपअप वाउचर भी लॉन्च कर दिए गए जो हैं, कि आपका 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक होंगे, जहाँ पे आपको कॉलिंग के साथ साथ डेटा भी दिए जाएंगे। मगर दोस्तों, इसी बीच रिलायंस जियो की ओर से एक अपडेट आ गया है कि जिन भी यूजर्स ने यहाँ पे रिचार्ज करवाए हुए हैं 9 अक्टूबर या फिर 9 अक्टूबर से पहले, तो तो उनको रिचार्ज की वैलिडिटी तक अनलिमिटेड कॉल मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 9 अक्टूबर या फिर 9 अक्टूबर से पहले रिचार्ज करवा चुके हैं तो यहाँ पे आपको रिचार्ज की वैलिडिटी तक किसी भी ऑपरेटर में अनलिमिटेड कॉल मिलते रहेंगे। यानी कि दोस्तों, 9 अक्टूबर के बाद जो भी लोग यहाँ पे रिचार्ज करवाएंगे उन्हीं लोगों को यहाँ पे IUC चार्ज देने होंगे। तो फिलहाल दोस्तों, जियो की ओर से उन यूजर्स को राहत दी गई है जो लोग यहाँ पे 9 अक्टूबर या फिर 9 अक्टूबर से पहले रिचार्ज करवा चुके हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका रिचार्ज की वैलिडिटी कब तक है। तो धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।